महुआडी में दो दिनों से लापता व्यक्ति का उसी गांव के कुएं में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। दिनांक 4 मार्च को नैला चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों से सूचना मिली कि गांव के कुएं से बहुत बदबू आ रही थी। पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति पानी में तैर रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रस्सी के सहारे से बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम भागीरथी धनवार है, उम्र 45 वर्ष, ग्राम महुआडी का रहने वाला है, जो कि पिछले दो दिनों से लापता था। परिजनों ने आसपास की जगहों पर खोजबीन किया मगर कुछ पता नहीं चला। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी मौत का कारण अज्ञात है। कल देर रात सूचना मिली थी कि महुआडी रामधन बर्मन के घर बाड़ी में जो कुआ है, छोटा पुराना कुआ है, तो उसमें किसी आदमी के गिरने की सूचना मिली थी और अमर सिंह द्वारा सूचना दी गई, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मौके पर स्टाफ भेजा गया था और बॉडी को कुएं से बाहर निकाल के मर्चुरी में शिफ्ट किया गया था। पर जब वहाँ जाने पता पड़ा, भागीरथी धनवार पिता सुखदास धनवार 35 साल महुआडी है, ये उस कुएं में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो कुएं से बाहर निकाल के और बॉडी को मर्चुरी में भेज दिया गया, तो पंचनामा किया जा रहा है। PM रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, घर वाले बता रहे हैं कि दो दिन से घूमने जा रहा हूँ बोल के निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया। अब कल शाम देर रात उसकी, जिसका खेत था अमर सिंह ने, उसने देखा तो उसमें एक बॉडी पड़ी हुई दिखाई दी, उसके द्वारा सूचना दी गई थी।